आपको उसमें जो है 45 अभी हमने ढक दिया, जो है 30 दिन बाद है ना, और अगर आपने देखा 30 दिन में गीला है तो फिर 15 दिन और उसको आगे बढ़ा देना। या कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं के गोबर बहुत गीले गोबर को हम करते हैं तो 30 दिन में ज्यों करते हो गड्ढा रहता है। अगर जो है समय गड्ढे में हल्का नम ज्यों गीते हो नमी है तो थोड़ी फिर 15 दिन और रख देना, तो 30 से 45 दिन। तो 30 दिन बाद क्या करना है, इसमें डीकम्पोजर का घोल डालना है। ठीक है, अलग से यहां मैं कर देता हूं सबके लिए। हाँ सब में, लगभग जो है 1 लीटर, वो तो नमी के आधार पे रहता है, मतलब इतना ही डाल देना कि वो पूरा जो है घोल वो बन जाए, इतना कि वो सोख ले पूरे हमारे उस गड्ढे में डीकम्पोजर का घोल चला जाए। हाँ अभी क्या करना, दूसरा क्या करना, अगर आपने ये कल्चर लेते हो, कौन से कल्चर, बीवेरिया लेते हो, मेटारिजियम लेते हो, बेसिलस थोरंजेसिस ले लेते हो, सूडोमोनास ले लेते हो, पीएसबी केएसबी ले लेते हो, या एनपीके कंसोर्टिया ले लेते हो, इन सारा ये सारे घोल भी इसमें लकड़ी से ऐसे छेद कर करके डिकम्पोजर के साथ ये भी डाल देना, क्योंकि वो अलग से बनाएंगे हम फफूंद रोधी घोल और कीट भक्षक घोल बना रहे, नहीं बना रहे अलग से, फफूंद भक्षक घोल और कीट भक्षक घोल। तो डीकम्पोजर ये 1 लीटर के बजाय आधा लीटर कर देना, आधा लीटर ठीक है, हाँ वो भी डाल देना। अन्य जीवाणु कल्चर भी डाले, सब में डाल देना। ठीक, वापस पत्तों से ढक देना, ताजे पत्तों से वापस ध्यान करना। ठीक है, और ध्यान तो प्रतिदिन भी हम कर सकते हैं, इतना केवल कर देना। अब ये जो है 90 दिन में ये तैयार हो जाएगा। भस्म रसायन तैयार 45 दिन के बाद, 90 दिन नहीं, फुल 90 दिन में, और दूसरे 45 दिन। हाँ, अब ये भस्म रसायन तैयार, क्या क्या तत्व मिलेगा, और इसमें बहुत हद तक वही जो नैनो टेक्नोलॉजी पर मिलेगा, क्यों, बैक्टीरिया ने इस ये तत्वों को खा करके निकाला है। जैसे फास्फोरस के बैक्टीरिया ने फास्फोरस निकाल दिया, पोटास के बैक्टीरिया ने पोटास निकाल दिया, सल्फर के बैक्टीरिया ने सल्फर निकाल दिया। तो ये सारे जो है, अभी चूंकि बैक्टीरिया 1 ml में होता है कितना, 20 लाख, कितना सूक्ष्म है वो, कुछ खा पी के निकालेगा उसका मल मूत्र पसीना, तो वो और सूक्ष्म होगा कि नहीं होगा। तो ये सूक्ष्मतर स्थिति में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे, किसमें, भस्म रसायन में। 90 दिन बाद क्या क्या मिलेगा, किसमें, तत्व। ठीक है, क्या क्या तत्व मिलेगा देख लो। पहला इसमें जो है, सबसे पहले वाले में मिलेगा आपका जो है क्या क्या तत्व मिलेगा देख लो। अग्निहोत्र भस्म में मिलेगा फास्फोरस, पोटास, सिलिकॉन, मुख्यतः ये तत्व मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा दूसरे सेना नमक में, इसमें भी फास्फोरस पोटास, इसमें आपको जो है मैग्नीज मिलेगा, हाँ आयरन, और जिंक। जिंक जैसी धातु जो है ये बहुत मात्रा में, लगभग 300 ppm इस मात्रा में सेंधा नमक में उपलब्ध रहता है, ये तत्व तो मिलेंगे। अभी तीसरे नंबर में क्या मिलेगा, गंधक में सल्फर मिलेगा। चौथे में क्या मिलेगा,
गेहूं में, इसमें मुख्य पोटास है। पोटास और मैग्नेशियम, जहां पोटास होता है वहां मैग्नेशियम भी होता है, साथ में होता है, प्रकृति का संरचना ऐसी है, पोटास मैग्नेशियम एक साथ होते हैं। अभी देखिए अगला, छुई जो है या सफेद जो मिट्टी है इसमें मिलेगा कैल्शियम, आगे जो है क्या है पांचवा नंबर का क्या है छुई, उसमें छठा जो है वो त्रिफला, त्रिफला में मिलेगा, हाँ त्रिफला में मिलेगा ग्लूकोस और विटामिन्स, ग्लूकोस और विटामिन्स मिलेंगे पौधे के लिए। चूना और कॉपर सल्फेट में क्या मिलेगा, तांबा और कैल्शियम। अगला क्या है सुहागा, इसमें मिलेगा बोरान। अगला क्या है त्रिकटो, इसमें मिलेगा सल्फर प्लस पित्त बढ़ाने वाले तत्व। मतलब क्लोरीन ऐसी चीजें जो पित्त बढ़ाती है, जैसे क्लोरीन है ठीक है, और मॉलिब्डेनम है, सल्फर है, जो पित्त बढ़ाते हैं वो सारे तत्व, क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो 10-12 तत्व जानता है, प्रकृति में तो 108 तत्व है पौधे के लिए, और सभी 108 तत्व कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं ठीक है। आधुनिक विज्ञान ने 16 कहा, फिर कहा 21, अभी किसी ने 33 भी तत्व पौधों को लगते ऐसा बताया गया है, लेकिन प्रकृति में सभी 108 तत्व से पूरी प्रकृति के सारे जो है जीव जंतु बनते हैं पेड़ पौधे। तो अभी हमने जो त्रिफला और त्रिकटु रखा है, त्रिफला के अंदर है खट्टा मीठा नमक और त्रिकटु में क्या है कटु तिक्त और कसाय, तो छह रस अगर कहीं आ गए तो पूरे 108 तत्व तो आ गए। तो इसमें कफ वाले तत्व तो हैं, इसमें पित्त वाले तत्व तो हैं, इसलिए इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आठवां क्या है घी और शहद, इसके अंदर सभी तरह के, हाँ दसवां, इसके अंदर क्या है सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, सभी तरह के फैटी एसिड्स, कल मैं जैसे आपको अभी दिखा रहा था ना, तीन तरह के एसिड उसमें थे, फैटी एसिड था, अल्कोहल था, एल्कलाइन्स थे, ये सभी तरह के फैटी एसिड्स एल्कलाइन, क्योंकि एल्कलाइन तत्व भी बहुत चाहिए आज खेती में, हमारा बीज तक एसिटिक हो गया, मिट्टी तो भयंकर एसिटिक है ही, मिट्टी में एसिटिक हम इतनी कड़ी हो गई, फिर बीज हम जो पानी स्प्रे करते हैं तो उन सब में ये दिक्कत है, तो सभी तरह के एसिड्स एल्कलाइन ठीक है, और योजक तत्व यानी आपने देखा होगा कार्बन से सारे बॉन्ड जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन से सल्फर जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये जोड़ने वाली कुछ चीजें है, जैसे हम कुछ भी चीज हमारे जो अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं ये जोड़ने का काम घी करता है, बॉन्डिंग करने का काम प्रकृति ठीक है, तो ये बॉन्डिंग करने वाला मटेरियल घी और शहद में है। हाँ लेकिन हमने मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जब बराबर मात्रा में होता है तो पॉइजन बनता है, और उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी कहानी कि लोग खाए ना घी और शहद, घी शहद के बहुत बड़े फायदे हैं ठीक है। और अकेला मैंने घी शहद का स्प्रे करके बीजोपचार करके कई तरह के रिजल्ट लिए, ट्रिमेंडस रिजल्ट लिए। जैसे आपको एक रिजल्ट बता देता हूं, ये जो गाजर होता है ना गाजर, समान मात्रा में घी शहद थोड़ा सा बढ़ा दो, एक आध अनुपात 11:9 कर दो,
इसको गाजर के बीज को उपचारित करके, मतलब ऐसा लगा के गाजर लगा दो, गाजर की लंबाई डेढ़ दुगना होता है और टेस्ट भी गजब का आता है। हाँ, केवल अकेला बीजोपचार से गाजर का उत्पादन 2.5 गुना तक बढ़ा था, सिंगल एक चीज से काम करने से। ठीक है, हरिओम साहू जी के खेत में ये सब हमने ट्रायल किया था, इसका वीडियो भी यूट्यूब में देखना। तो इसके कई तरह के उपयोग हैं, इसलिए खेती में इसका उपयोग मैंने अनिवार्य करके रखा हुआ है। चाहे आप पंचगव्य में घी साइड डालो, चाहे हाँ हाँ, और कल हमने पंचगव्य का आपको रिपोर्ट भी दिखाया था, लैब रिपोर्ट, कितने तरह के उसमें एंटीऑक्सीडेंट और जो है फैटी एसिड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट थे। ठीक है, तो ये आ गए, ये सारे तत्व तो इसमें आ गए। अंतिम जो तत्व है जो जिससे हम तुम बने, कार्बन, क्योंकि बिना कार्बन का ऊपर का सारा चीज कुछ नहीं है। और आज कार्बन की कमी खेती में इतना ज्यादा है कि कार्बन की कमी के कारण पौधों में ऊंचाई नहीं आ रही है, बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग करने वाला मटेरियल प्रकृति में कार्बन है, इसलिए जैविक खेती को कार्बनिक खेती भी बोलते हैं। हम तुम सब कार्बन से बने हैं, हमारे अंदर 97% कार्बन ही है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है चारकोल पाउडर में है, तो आपको क्या करना है, चारकोल पाउडर, इससे मिलेगा कार्बन। यानी भस्म रसायन में मैंने कोई तत्व तो छूट ना जाए ये सारा प्रयास किया है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सभी तरह के एसिड्स, अल्कोहल, एंजाइम और सभी तरह के पोषक तत्व, ये प्रयास किया है, कंप्लीट ये आपका हो गया। अब ये क्या होता है, एक साथ आपको देना हो, 90 दिन में क्या हो गया है, तैयार हो गया। इसका उपयोग आप लिख लो, अभी उपयोग, एक प्रतिशत का स्प्रे होगा फसलों में, 1% का स्प्रे करें। ठीक है, 12 kg प्रति एकड़, जमीन पर डालें। सब सब फिर मिला देने का, हाँ मिला के बोल रहा हूं, मिला के एक एक प्रतिशत का स्प्रे करना है, 12 kg प्रति एकड़ जमीन पर डालें। तीसरा, जिस तत्व की कमी हो, जिस तत्व की कमी हो उस भस्म रसायन को या उसको 1% का स्प्रे करें, तत्काल आपको जो है तत्काल उस तत्व की कमी की पूर्ति होगी। जैसे कल मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था, फास्फोरस की कमी हो गई, क्या हो गई कमी, तो पत्ते कैसे हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, थोड़ा कालापन भी आ गया। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, समझो बात को, लिखो मत क्योंकि समझने का विषय है, अगर पत्ते टेढ़े मेढ़े हो गए और थोड़ा कालापन आ गया पत्तों में, तो किस किस में फास्फोरस है बताओ, किस किस में है, पहले में और दूसरे में। तो पहला, दूसरा, 10वां और 11वां, इसका 1% डालना। क्यों डालना 10वां 11वां, क्योंकि 11वां क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और 10वां क्या करेगा, 11वें से बॉन्डिंग होगी और 10वां उसको जोड़ने में पुल का काम करेगा। इसलिए नीचे के 10वें 11वें किसी भी चीज के तत्व की कमी हो, इनको मिलाना अनिवार्य है। अब जैसे कमी हो जाए किसकी, आपकी कमी हो गया, सल्फर की कमी हो गया, तो क्या करोगे बताओ मुझे। हाँ, आपका देखो तीसरा और दसवां, 3, 9, 10, 11, 3, 9, 10, 11 एक एक तत्व का लिख लो, ऐसा मैंने तो मोटा मोटा बता ही दिया है, अलग से अपने पास समझने के लिए बना लेना। अब मैं आपको पूछता हूं, पोटास की कमी हो गई तो क्या करोगे, चार, 9, 10, 2 भी है, हाँ 1, 2, 4, 10, 11, बहुत बढ़िया, सफाश। अब अगर
तांबा की कमी हो गया तो अभी तांबे की कमी से कल मैंने बताया था जो जो आपके फल है उसके में धब्बे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। पोटास की कमी से पत्ते आधे जल जाते हैं, समझो जरा, पोटास की कमी होगी तो आधा पत्ता जल गया आधा स्वस्थ है। नाइट्रोजन की कमी हो गई तो इसमें कुछ नहीं है, अभी मिक्स कर सकते, कुछ समझ नहीं आया तो मिक्स करके डाल दो, जिसकी कमी वो पूरा हो जाएगा। कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबकी एक एक मुट्ठी लो, 200 लीटर पानी में घोलो, डाल दो। पर विशेषज्ञता से करोगे तो एक्जेक्ट, क्योंकि मान लो अभी तांबे की कमी हो तो आपने चाहिए कितना, 4 किलो, मतलब चाहिए कितना, 2 किलो, और डाला कितना, 1 मुट्ठी, क्योंकि अंदाज से डाल रहे हो तो तांबे का भी तो एक ही मुट्ठी उठाओगे ना, ठीक है। देखिए ना, विशेषज्ञता से अच्छा है, नहीं तो करते रहो, 2-3 स्प्रे करो, हर तत्व की पूर्ति हो जाएगी। रासायनिक खेती करने के बाद जैविक खेती करो तो बहुत समस्या आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, क्योंकि मिट्टी का पीएच खराब है, मिट्टी में जीवाणु नहीं है, समझ रहे हो, मिट्टी में बॉन्डिंग, मिट्टी बहुत कड़ी है, प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, मिट्टी में कार्बन नहीं है, 10 समस्या है, उन सबका अकेला समाधान ये। सर ये जो स्प्रे करना है वो पेड़ की जो है पौधा उसके ऊपर करना है कि नीचे, पौधे के ऊपर ही करना है स्प्रे, पर ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, क्योंकि जड़ से भी प्लांट खाता है तो ड्रेंचिंग भी करना, ड्रेंचिंग में थोड़ी मात्रा बढ़ा तो 2% कर दो, ड्रिप से दे सकते हो, ठीक है। बनाना, डालना, अब रखना कैसे है, आप क्या करो, सबसे पहले बोरी ऐसे है तो बोरी ले लो अलग से, और बोरी के ऊपर लिख देना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, ताकि आपको निकालने में अच्छा, इसकी एक्सपायरी है लगभग 5 से 6 साल, ठीक है ना, 5-6 साल ये पड़ा रहेगा, कहीं कोई तत्व इधर उधर आने जाने वाला नहीं है। तो जिसकी कमी हो निकाल के रख सकते हो, जमीन पे डालना है तो एक बार में 12 किलो डालो, लेकिन अगर एक साल की फसल है, गन्ना है कपास है, तो 2 या 3 बार डालो, जब गन्ने कपास में गुड़ाई करते हैं उसके पहले डाल दो, फ्लावर बनता है फूल आता है उसके पहले डाल दो, ठीक। तो अभी ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको करना है, कितने साल करना है, लेकिन ये सब ईमानदारी, अरे 2 साल बाद ये कुछ नहीं करना, बोना है और घर जाके, ये सब 2 साल की है, बाकी कुछ काम नहीं है। जिस दिन आपकी खेती में ये सारे जीवाणु आ गए उस दिन ना जुताई ना निंदाई ना गुड़ाई ना खाद कुछ नहीं, सिंचाई भी बहुत कम करना है, नौकरों बता देना कर देना यार तेरे को जब फुर्सत होगी तब।